तो फिलहाल दोस्तों अभी आप देख सकते हैं भादो महीना में जहाँ से लाइन लगता था, फिलहाल जो है यहाँ से भी तो भीड़ बढ़ने के कारण यहाँ से तो नहीं लगने दे रहा और लाइन देख सकते हैं पूरा एकदम भर चुका है। ये आपका 23 सितंबर का दिनांक का अपडेट है, देख सकते हैं आज शनिवार का दिन है और देख सकते हैं ऐसा जो है पूरा लाइन भरा हुआ है एकदम। ये मानसिंगी तालाब से एकदम पूरा उधर से लगे हुए हैं, चलिए दिखाते हैं आपको। और इधर से शिवगंगा से कांवरिया जो है अभी आते हैं लाइन लगने के लिए, फिलहाल जो है यहाँ से इन लोगों को प्रवेश अभी नहीं दिया जा रहा है और देखते हैं लाइन जो है कहाँ से प्रारंभ हुआ है वो दिखाएंगे आपको। चलिए स्वागत करते हैं दोस्तों ब्लॉगिंग अजय यूट्यूब चैनल में और फिलहाल अभी हम लोग कांवरिया पथ पे हैं और आज जो है देवघर में काफ़ी लंबा आपका लाइन लग रहा है क्योंकि और कांवरी से थोड़ा जानकारी भी लेंगे कि इन लोगों को जो है कितना समय से लाइन में जो है लगाया गया है और फिलहाल जो है सब कुछ जानकारी आपको आगे देने वाले हैं। आप ब्लॉग में अंत तक बने रहिएगा, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक फॉलो कीजिए। चलिए हर हर महादेव बोल। अब देख रहे हैं हम इधर से कांवरिया जो है बोलबम का नारा लगाते हुए जो है आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी जो है लोग एकदम गूंज रहा है एकदम बोलबम का नारा, देख सकते हैं। और चलिए दिखाते हैं जो है लाइन किस प्रकार लग रहा है, ये देख सकते हैं मानसिंगी का तालाब है और ये तालाब के किनारे से जो है जितना भी लाइन सावन में लग रहा था ठीक उसी प्रकार अभी आपका भादो महीने में भी लग रहा है। और आज आपका दिनांक है 23 सितंबर 2023 और आज का दिन है शनिवार। आप देख सकते हैं शनिवार के दिन में जो है कुछ इस प्रकार लाइन के माध्यम से जो है कांवरे को लगाया जा रहा है, उसके बाद जो है इन लोग का जलार्पण होगा। अभी स्पष्ट पूजा आपका हो रहा है और वैसे में जितने भी शिव भक्त अभी पहुँच रहे इनका जो है लाइन कुछ इस प्रकार लगाया जा रहा है, देख सकते हैं। चलिए आगे जानकारी लेते हैं बम लोग से और आप लोग को दिखाते हैं। कहाँ से हैं बम जी आप लोग? जमुई से हैं। कितना समय से आप लोग लाइन में? अभी बस जस्ट आए। अभी जस्ट आए तो कितना दिन लगा यहाँ तक आने में? 24 घंटे। चलिए बोल बम। देख सकते हैं इधर से काफ़ी सारे श्रद्धालु जो है यहाँ से भी आपका गुजर रहे और ये लाइन दोस्तों आपका इधर से भी लगाया जा रहा है, देख सकते हैं क्यों कॉम्प्लेक्स होते हुए। और फिलहाल जो है सारे कांवरिया जो है इस लाइन के माध्यम से आपका गुजर रहे। बोल बम बोल बम, देख सकते हैं आप लोग। और काफ़ी जो है लंबा इस कतार में जो है कांवर का भीड़ जो है दिख रहा है, देख सकते हैं सभी को जो है कतारबंद होते हुए जा रहे हैं। बोल बम कहाँ से? देख सकते हैं असरगंज से हैं और काफ़ी सारे कांवरिया जो यहाँ से आपका गुजर रहा है, देख सकते हैं लाइन जो है कुछ इस प्रकार है। बोल बम कहाँ से हैं माता बाप लोग? सब देख सकते हैं असरगंज से। बोल बम बोल बम। तो फिलहाल देख सकते हैं अभी हम और आशीष दोनों साथ में जा रहे हैं और ब्लॉगिंग करते हुए आपको दिखाते हुए। तो काफ़ी भीड़ जो है दोस्तों आज शनिवार के दिन में हम लोग को देखने को मिला है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। भादो का महीना में जो है कुछ इस प्रकार कांवरिया पहुँच रहे अभी बाबा धाम, तो देख करके काफ़ी मुझे अच्छा लगा। और देखते हैं मंदिर के परिसर में जो है आज किस प्रकार भीड़ रहेगा वो दिखाने वाले हैं। ये दोस्तों ओवर ब्रिज आप देख रहे हैं, इस ओवर ब्रिज के माध्यम से कांवरिया जो है लग करके अभी बाबा धाम की ओर जा रहे हैं और अभी जो है हम लोग नीचे नीचे जा रहे हैं, देख सकते हैं पूरा नीचे का दृश्य है और फिलहाल जो है काफ़ी भरा हुआ है ये पूरा लाइन जो आप देख रहे हैं पूरा एकदम भरा हुआ है कांवरे से। चलिए आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं आगे का और क्या दृश्य रहता है। सामने आप देख सकते हैं श्री सरदार पंडा द्वार है और ये लाइन देख सकते हैं ऊपर से किस प्रकार पूरा लगा हुआ है एकदम कांवरे से जो है एकदम भरा हुआ है। और फिलहाल जो है इधर से अभी हम लोग ने दिखाते हुए आपको आए और चलिए अभी जो है मंदिर प्रवेश करते हैं आपको, उसके बाद दिखाते हैं कि अंदर का क्या दृश्य रहता है। चलिए तो देख सकते हैं अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर और आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं इस गली के माध्यम से ये VIP द्वार रहा है और यहाँ पर किस प्रकार जो है VIP पास लेकर के अभी जो है लाइन लग रहे हैं और फिलहाल जो है अभी हम लोग नॉर्मल लाइन से दिखाते हुए आपको जा रहा हूँ, देख सकते हैं। चलिए देख पा रहे हैं मंदिर प्रवेश कर चुके हैं और इधर से पूरा मंदिर का नज़ारा आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और सबसे पहले आप लोग को बाबा बैद्यनाथ मंदिर का दर्शन कराते हैं, उसके बाद जो है ज्योतिर्लिंग सवेरे प्रातःकालीन का दर्शन कराएंगे, ठीक है। एक बाबा के द्वारा जो है वीडियो भेजा गया था उसको भी जो है अटैच हम कर देंगे, उससे पहले आप देख लीजिए मंदिर का पूरा दृश्य देख सकते हैं। और चलिए अभी हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, काफ़ी भीड़ जो है दोस्तों आज 23 सितंबर के दिन में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं आज दिन शनिवार है और मुझे लगता है कि सोमवार को काफ़ी भीड़ जो है होगा, देख सकते हैं सामने बाबा बैद्यनाथ मंदिर और इधर से माता पार्वती का आप दर्शन कीजिए जो कि आपको यहाँ से दिख रहा है। और ये निकाय द्वार के सामने अभी हम लोग हैं, देख सकते हैं और आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। चलिए भाई साहब देख सकते हैं पूरा जो है कांवरियों से भरा हुआ है, काफ़ी भीड़ जो है देखने को मिल रहा है, लाइन में भी जो है आज काफ़ी लंबी कतार लगी हुई थी आपका। और इधर आप देख सकते हैं तो देख सकते हैं इधर दो दो ब्लॉगर तीन तीन ब्लॉगर सब मिल चुका है यहाँ पे। और चलिए आप लोग को जो अभी दर्शन कराते हैं, अपना चैनल का नाम बोलते हैं रैंडम टिंकू। कहाँ से आप?
मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, वो सारा वेस्ट बंगाल का ही है ब्लॉगिंग चैनल है, और वहाँ पे मैं हिस्टोरिकल जो प्लेस है वहाँ पर जाता हूँ और उसके बारे में मैं विस्तार से बताता हूँ कि किस लिए वो हुआ, कहाँ से आया, उसका बारे में मैं बताता हूँ, वही रिगार्डिंग मेरा चैनल है। देख सकते हैं अभी बाबा बैद्यनाथ हम आए हैं और सामने जो है आप लोग को दर्शन कीजिए यहाँ पे, और इधर से माता पार्वती का आप लोग दर्शन कीजिए। चलिए पूरे प्रांगण का दृश्य आपको दिखाते हैं और आप लोग वीडियो में बने रहिए, इधर भी देख सकते हैं भाई है। चलिए तो दोस्तों अभी इधर दो तीन यूट्यूबर भाई मिल चुके थे और उन्हीं लोग से बातें भी किए, और वैसे में जो है यहाँ पर काफ़ी समय व्यस्त हो गया, इसलिए जो है अभी खुला ना चो ना चो खुला। इधर बाबा ने टीका लगा दिया और जो है पैसा नहीं था इसी कारण अभी नहीं दे पाए, और फिलहाल देख सकते हैं पूरा प्रांगण जो है आप लोगों को दिख रहा होगा किस प्रकार जो है आज कांवरियों का भीड़ जो है वो है, देख सकते हैं। और बिल्कुल दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं भादो महीना में जो है इतना भीड़ आपका हो रहा है। अभी समय आपका 9 बज रहा है और 9 बजे के समय में जो है कुछ इस प्रकार यहाँ पे कांवरियों का जो भीड़ है वो जलार्पण करने के बाद जो इधर हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग। और चलिए जो है अभी आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं जो है इधर किस प्रकार है, देख सकते हैं पूरे प्रांगण का दृश्य मैं आपको घुमा घुमा करके दिखा पा रहा हूँ, देख सकते हैं। और यहाँ से माता पार्वती का आप एक बार दृश्य देख लीजिए, मंदिर का सामने से आपको दिख रहा होगा, और ये देख सकते हैं पूरा प्रांगण जो है कांवरियों से भरा हुआ है अभी सवेरे में। और आगे चलिए चलते हैं और इधर आप लाइन का भीड़ चेक कर लीजिए, कितना भीड़ है इधर लाइन में, देख सकते हैं पूरे लाइन में जो है कांवरियों से भरा हुआ है, और एक एक करके जो है अभी आसपास पूजा करने के लिए कांवरिया जो है लाइन के माध्यम से जा रहे हैं। पिछले वीडियो में आप लोग को हम दिखाए थे क्योंकि वहाँ पर कमी भीड़ था, लेकिन आज जो है काफ़ी भीड़ जो है यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं इधर से कुछ इस प्रकार जा रहे सारे कांवरिया और बोलबम का नारा जो है लगाते हुए अभी जा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। और ये संस्कार मंडप का भी जो है दृश्य मैं आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि उसमें जो है किस प्रकार कांवरिया जो है लाइन के माध्यम से भी जा रहे हैं लग करके, और वो चीज़ भी दिखाने का प्रयास करेंगे आपको हम, देख सकते हैं इधर से सारे कांवरिया बंधु जो है जा रहे हैं बोलबम, देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है इधर से देख सकते हैं कितना भीड़ है, पिछले दिन दिखाई दे काफ़ी खाली था लेकिन आज काफ़ी भरा भरा देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। और ऊपर नीचे आज दोनों फ्लोर में जो है घूमना पड़ रहा है। चलिए ऐसा दृश्य जो है इधर का है। और कहाँ से हैं बम जी आप लोग? हम लोग बिहार से हैं। बिहार से हैं, कैसा लग रहा है बाबा ने पहुँच गए? बहुत अच्छा लग रहा है, अभी पास लेकर के कर रहे हैं ना? जी जी। कितना प्राइस लग रहा है? 500 रुपया लगा है। बोलबम बोलबम देख सकते हैं। और चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ से देख सकते हैं पूरा लाइन जो है आज भरा हुआ है कांवरे से, लाइन का स्थिति आप देख सकते हैं। और दोस्तों ऐसा नज़ारा जो है भादो महीना का है, देख सकते हैं पूरा लाइन जो है एकदम भरा हुआ है। और अब बढ़ते हैं हम लोग इधर की ओर, और यहाँ से जो है आपको पश्चिम गेट भी दिखेगा जो कि उसी के ऊपर से ओवर ब्रिज के माध्यम से कांवरिया जो है लाइन लगने के लिए जाते हैं, देख सकते हैं आप लोग कितना भीड़ जो है इधर भी है। और ये पश्चिम गेट के सामने अभी हम लोग हैं, देख सकते हैं। और अब चलिए इधर चलते हैं और देख सकते हैं पूरा कांवरियों से जो है एकदम भरा हुआ है पूरा प्रांगण आप देख सकते हैं। और ये माँ गंगा मंदिर देख सकते हैं आप लोग। फिर से आगे हम लोग निकाय द्वार के सामने, और लगभग चारों साइड आपको दिखा चुके हैं, और यहाँ से देख सकते हैं किस प्रकार जलार्पण करने के बाद बाहर की ओर निकल रहे निकाय द्वार के सामने से, और यहाँ से मैं आपको दिखाने का प्रयास करेंगे जय माता रा मंदिर के सामने से, देख सकते हैं कितना क्राउड जो है। और ये माता पार्वती का मंदिर इधर आप देख पा रहे हैं, और इधर से शिव जी का मंदिर। चलिए एक बार जयकारा हमारे साथ आप लोग लगा दीजिए, हर हर महादेव बोल बम का। तो फिलहाल दोस्तों अभी मैंने आपको पूरा लाइन दिखाते हुए और बाबा बैद्यनाथ मंदिर का भी जो है दर्शन कराया, आपको दृश्य दिखाया यहाँ का किस प्रकार भादो महीना में आपका यहाँ का अपडेट रहता है, और कैसा लगा आप लोगों को वीडियो प्लीज़ कमेंट करके आप बताइएगा, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चलिए बोल बम हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ।